Hi Joya, how are you? And where is Ibrahim? I'm fine, thank you. Hey, hi Oliver. I'm here, behind you. How do you do? Oh great, Ibrahim. Lily and I were going to visit Auto Expo next Sunday. So, we invite you to go with us. I'm free on Sunday. I shall go. Very good. But this Sunday I am busy. Next time, I will accompany you. But you can ask Zoya. Thank you so much. I must thank you for your sweet and generous invitation. तो दोस्तों, बातचीत के लहजे से ही लग रहा था कि conversation थोड़ा formal है. It was not as informal as we saw between Lily and Oliver. अर्थात ये invitation उतना informal नहीं था, जितना Lily को दिया हुआ Oliver का invitation था. Friends, invite करना तो आप सीख ही गए. इस तरह के मौकों पर किन शब्दों और वाक्यों अर्थात किन खास words तथा sentences का प्रयोग करें, ये बात मिस्टर वाइज आपको आगे सिखाएंगे ही. अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इसी तरह जब हम किसी को कभी अपने यहाँ इनवाइट करते हैं या कहीं बाहर भी पार्टी में बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन्हें बहुत सारी चीजें, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर किसी दूसरे तरह की हेल्प हो, ऑफर करते हैं. तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो बहुत ही पोलाइटली करना चाहिए. अब आप ओलिवर और लिली के इस कॉन्वर्सेशन को सुने, जिसमें लिली जब ऑटो एक्सपो पहुंचती है तो वो अपने मित्र को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है.